टुडे वी बी टॉकिंग अबाउट व्हाट? आज हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ। सो टुडे वी बी टॉकिंग अबाउट, ये लाल कलर का पेन चाहिए ना। सो टुडे वी बी टॉकिंग अबाउट, तो डिस्कशन पूरी हो गई थी हमारी सारी, डिस्कशन वॉज डन। आज एप्लीकेशन की बारी है। टुडे वी बी टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन। तो आज एप्लीकेशन देखेंगे। सो स्टेप्स ऑफ डिजाइनिंग, स्टेप्स ऑफ डिजाइनिंग ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन, ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन, ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो स्टेप्स ऑफ डिजाइनिंग ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो मुझे सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन को अगर डिजाइन करना है, मुझे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसके हम डिस्कशन करेंगे। जो स्टेप्स बता रहा हूँ यही स्टेप्स फॉलो करोगे अगर आपका सवाल 20 से लेकर 25 नंबर का आता है, जो आता ही है इन जनरल। तो बीम की डिजाइनिंग आती है, रेक्टेंगुलर सेक्शन की डिजाइनिंग आती है, 20 से लेकर 25 नंबर का सवाल होता है, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हमेशा। क्या बोल रहा है स्टेप नंबर वन? तो स्टेप नंबर वन, तो स्टेप नंबर से वन सेज अज्यूम सूटेबल वैल्यू ऑफ, अज्यूम सूटेबल वैल्यू ऑफ बी बाय डी रेशियो। एक सूटेबल वैल्यू उठा लेना बी बाय डी रेशियो की। आपको रेंज भी बता रखी है कि हम जो बी बाय डी की रेशियो सेलेक्ट करते हैं वो 0.7 से लेके 0.3 के बीच में सेलेक्ट करते हैं। 0.7 से ज्यादा इट विल लीड टू अनइकोनॉमिकल बीम। तो इससे ज्यादा रेशियो बढ़ाओगे अनइकोनॉमिकल होती है बीम, इससे कम रेशियो करोगे तो इशू आएगा लेटरल बकलिंग का है। ये जानकारी मैंने आपको पहले भी दे रखी है, दिस इंफॉर्मेशन आई गिवन यू अर्लियर ऑल्सो। सो लेटरल बकलिंग, तो इससे कम करोगे रेशियो, लेटरल बकलिंग का इशू निकल के आएगा। जनरली हम क्या लेके चलते हैं रेशियो, कोई बताएगा? जनरली बी बाई डी रेशियो कितना लिया जाता है? सो जनरली बी बाई डी रेशियो इज टेकन टू बी हाउ मच? शुरू में बताया था जनरली बी बाई डी रेशियो कितना लेके चलते हैं, 0.5 लेके चलते हैं। तो ये तो हमारा पहला स्टेप है, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, वी टेक द वैल्यू ऑफ बी बाई डी रेशियो टू बी 0.5। नेक्स्ट, अगला स्टेप क्या बोल रहा है? अगला स्टेप बोल रहा है अज्यूम सूटेबल, अज्यूम सूटेबल वैल्यू ऑफ डी, ये बी बाय डी रेशियो है, बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, तो बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। तो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के बिहाफ पे आप क्या करो, डी की वैल्यू अज्यूम कर लो। तो डी की वैल्यू कितनी लेके चलते हैं वो भी आपको बता रखी है। सो डी की वैल्यू इट इज अज्यूम्ड इन द रेंज ऑफ व्हाट, एल इफेक्टिव बाय 10 और ग्रेटर देन एल इफेक्टिव बाय 15। तो ये जानकारी भी दे रखी है आपको। इसके ऊपर आप डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया भी अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया ऑल्सो, जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था। सो अप्लाई डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, अब ये कैसे निकल के आया, यहीं से निकल के आया। सो अप्लाई डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, सो अप्लाई डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, क्या है हमारा डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया? डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया ये है कि एल इफेक्टिव बाई डी शुड बी लेस देन वॉट, K1, K2, K3, K4 वैल्यू। तो अगर मैं डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया अप्लाई करूं, सो K1, K2, K3, K4 इनटू वैल्यू, और वैल्यू मैंने आपको सपोर्ट कंडीशन के लिए बता रखी है। वैल्यू आई हैव डिस्कस फॉर सपोर्ट कंडीशन, सो फॉर डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन इट्स वैल्यू इज गिवन। हाँ, एल बाय 12 भी ले, एल इफेक्टिव बाय 12 भी ले सकते हो। तो 12, 15, 10 के रेंज में कोई से भी वैल्यू उठा सकते हो, अजम्पशन है हमारी, इट इज अजम्पशन विच वी टेक। तो कोई हार्ड एंड फास्ट वैल्यू नहीं है, आपको डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया अप्लाई करना ही पड़ेगा, यू हैव टू गो फॉर द डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। अब K1, K2, K3, K4 की वैल्यू बता रखी है, K1 किस पे डिपेंड करता है? K1 डिपेंड्स अपॉन व्हाट? K1 डिपेंड्स अपॉन द स्पैन लेंथ। K2 किस पे डिपेंड करता है? परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट के ऊपर। तो आप K2 की वैल्यू 1 मान सकते हो, क्योंकि परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट आपको पता ही नहीं है शुरू में। तो डिजाइनिंग करने से पहले हमें परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट नहीं पता होती, तो आप K2 की वैल्यू 1 मान सकते हो। K3 अगर हमारा सेक्शन सिंगली रीइंफोर्स है, बना आएगा, तो ये कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट होगी नहीं। तो जब कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट नहीं होती है, K3 की वैल्यू कितनी निकल के आती है? 1 निकल के आती है। और K4 रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए 1 होता है। तो K2, K3, K4 आप 1 मान सकते हो, और जो K1 की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड कर जाएगी, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पैन। तो अगले पेज पे क्या, तो ये तो लिख देता हूं मैं K1। सो हियर K1 डिपेंड्स अपॉन स्पैन,
सो डिपेंड्स अपॉन स्पैन लेंथ, डिपेंड्स अपॉन स्पैन लेंथ एंड के टू के थ्री के फोर, के टू इज इक्वल टू के थ्री इज इक्वल टू के फोर इज इक्वल टू वन, ये सारी वैल्यू मान ली चलेंगे। रीजन सबका अलग अलग है। के टू वन क्यों माना? के टू वन इसलिए माना बिकॉज परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट इज नॉट नोन, बिकॉज परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट इज नॉट नोन, टेंशन रीइंफोर्समेंट की परसेंटेज नोन नहीं है। वन ले लिया, अजम्पशन ही लेनी है, कुछ भी मान लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। के थ्री की वैल्यू वन क्यों ली? क्योंकि सेक्शन है सिंगली रीइंफोर्स, क्योंकि हमारा सेक्शन क्या है? सिंगली रीइंफोर्स्ड है। सो सेक्शन इज सिंगली रीइंफोर्स्ड, तो इसकी वैल्यू हमने वन कंसिडर कर ली, वन ही होगी। के फोर की वैल्यू वन क्यों है? सेक्शन इज रेक्टेंगुलर, सेक्शन कैसा है हमारा? रेक्टेंगुलर है। तो सबका रीजन भी बता दिया मैंने आपको, आई डिस्कस द रीजन ऑफ ऑल दी फैक्टर्स ऑल्सो, क्लियर है? तो इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आप डी की वैल्यू उठा लो। सो बेस्ड ऑन द अबव टू क्राइटेरिया अज्यूम द वैल्यू ऑफ डी। तो हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन अबव टू कंडीशंस अज्यूम डी, डी की वैल्यू अज्यूम करो। जब डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो आप कैपिटल डी में निकाल सकते हो एंड कैलकुलेट कैलकुलेट विड्थ एंड ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेक्शन। आप विड्थ भी निकाल सकते हैं और ओवरऑल डेप्थ भी निकाल सकते हैं, तो बीओडी निकाल सकते हैं। जैसे ही बीओडी निकल के आ जाएगा, इसका मतलब क्या है? आपको डेड लोड मिल जाएगा, यू नो द वैल्यू ऑफ डेड लोड। अब कई बार क्या होता है, ये नोट के फॉर्म में बता रहा हूं मैं आपको, अब कई बार क्या होता है, हमें एल इफेक्टिव पता ही नहीं होता, तो कंडीशन ही नहीं देता आपको, डेप्थ नहीं पता बीम के आपको, तो डी कैसे निकालोगे? डी नहीं आएगा तो एल इफेक्टिव नहीं आएगा। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस एल इफेक्टिव इज नॉट नोन। अगर एल इफेक्टिव नोन नहीं है सवाल में आपको, तो या तो आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले सकते हो या आप क्लियर स्पैन भी ले सकते हो, दोनों में से कोई से भी वैल्यू लेके कैलकुलेशन को स्टार्ट कर सकते हो इनिशियली। तो ये नोट करके मेंशन कर लिया कि सिंस एल इफेक्टिव इज नॉट नोन, तो सिंस एल इफेक्टिव इज नॉट नोन, सो सिंस एल इफेक्टिव इज नॉट नोन, एल क्लियर और एल सेंटर टू सेंटर कैन बी टेकन फॉर इनिशियल कैलकुलेशन, एल क्लियर और एल सेंटर टू सेंटर कैन बी टेकन फॉर इनिशियल कैलकुलेशन, कैन बी टेकन फॉर इनिशियल कैलकुलेशन, कैन बी टेकन फॉर इनिशियल कैलकुलेशन। तो इनिशियल कैलकुलेशन के लिए आप क्या ले सकते हो? सेंटर टू सेंटर स्पैन भी ले सकते हो और क्लियर स्पैन भी ले सकते हो, जो भी सवाल में आपको गिवन है, वॉट एवर इज गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम। तो स्टेप वन और स्टेप टू में क्या हुआ? स्टेप वन और स्टेप टू में आपको बीम की साइज मिल गई। जैसे बीम की साइज मिल गई क्या निकाल सकते हो आप? जैसे बीम की साइज मिल गई डेड लोड निकाल सकते हो, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो। तो कैलकुलेट कैलकुलेट डेड लोड निकालो और डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकाल लो। सो कैलकुलेट डेड लोड, सो कैलकुलेट डेड लोड एंड डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। तो डेड लोड कैलकुलेट कर लो, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकाल लो। जो भी डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकल के आ गया उसको बैलेंस सेक्शन के मोमेंट और रेजिस्टेंस के बराबर पुट कर दो, डी निकल के आ जाएगी। तो स्टेप फाइव सॉरी स्टेप फोर। अब अगला स्टेप क्या है हमारा? कैलकुलेट डी रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन। तो कैलकुलेट डी रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन, डी कैलकुलेट कर लो बैलेंस सेक्शन के लिए। कैसे निकाल लूंगा? जो भी आपने बेंडिंग मोमेंट निकाला वो किसके बराबर कर दिया? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर कर दिया। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी हमारी? क्यू लिमिटिंग बी डी स्क्वायर। सो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू वॉट? क्यू लिमिटिंग बी डी स्क्वायर। क्लियर है चीज? तो यहां से डी निकल के आ जाएगी हमारी। फ्रॉम हेयर आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी। तो डी की वैल्यू कितनी होगी? सो डी की वैल्यू होगी अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाय वॉट? क्यू लिमिटिंग इन टू बी। अब ये जो भी डी आपने कैलकुलेट करी, यहां से ध्यान रखना, वॉट एवर डी यू आर कैलकुलेटिंग हेयर शुड बी लेस देन दी डी अज्यूम्ड इनिशियली। तो जो भी डी आपने यहां से कैलकुलेट करके निकाली, ये आपकी अज्यूम्ड डी से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। पर अगर ये डी की वैल्यू आपकी अज्यूम्ड डी से ज्यादा निकल के आ रही है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी कैलकुलेशन को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। अगेन यू हैव टू रिवाइज योर कैलकुलेशन। तो ध्यान रखना, दिस डी कैलकुलेटेड मस्ट बी लेस देन व्हाट डी अज्यूम्ड।
तो ये डी कैलकुलेटेड है, पीछे पेज डाल के लिख देता हूँ। तो पीछे पेज डाल के लिख दिया, पेज निकाला, नोट डाला, नोट डाल के मेंशन करा दिया, दिस डी कैलकुलेटेड मस्ट बी लेस देन डी अज्यूम्ड ओरिजिनली, लेस देन डी अज्यूम्ड इनिशियली। इनिशियली अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा? इफ नॉट रीडिजाइन। अगर आपको ऐसा नहीं मिला तो आपको सेक्शन क्या करना पड़ेगा? रीडिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेक्शन कैसा दे रहा हूं? अंडर इन्फोर्स दे रहा हूं। तो ये डी तो आपने बैलेंस के लिए निकाली, आपने जो डी दी वो ज्यादा दे रखी है, इसका मतलब सेक्शन क्या हो गया आपका? अंडर इन्फोर्स हो गया। अगर सेक्शन अंडर इन्फोर्स हो गया, आप एरिया ऑफ सील निकाल सकते हो। तो सिंस दी सेक्शन प्रोवाइडेड इज अंडर इन्फोर्स, एरिया ऑफ सील कैन बी कंप्यूटेड। सो वी कैन से सिंस सेक्शन प्रोवाइडेड इज अंडर इन्फोर्स्ड, कंप्यूट एरिया ऑफ सील एज फॉलोज। कंप्यूट ए एस टी, एरिया ऑफ सील निकाल लो। कैसे निकलेगी एरिया ऑफ सील? एक्सप्रेशन पता है हमें, स्टैंडर्ड 0.5 FC के BD अपॉन FY इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6। तो सबको पता है एक्सप्रेशन, बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट बाय FC के BD स्क्वायर। तो यहां से एरिया ऑफ सील निकाल लो। जो एरिया ऑफ सील आपने निकाला, ये सारे प्रोविजंस और परमिसिबल लिमिट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हमारा अगला स्टेप है। तो स्टेप 4, दिस इज स्टेप 5, ये हमारा स्टेप 5 है। स्टेप 6, एरिया ऑफ सील कैलकुलेटेड मस्ट सेटिस्फाई परमिसेबल लिमिट, मस्ट सेटिस्फाई परमिसेबल लिमिट। ये परमिसेबल लिमिट को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। लास्ट में साइड फेस रीइंफोर्समेंट देंगे और सारी डिफ्लेक्शन को चेक कर लेंगे। तो स्टेप सेवन, चेक फॉर साइड फेस रीइंफोर्समेंट। तो चेक करो साइड फेस रीइंफोर्समेंट के लिए। तो चेक फॉर साइड फेस रीइंफोर्समेंट, कब देते हैं साइड फेस रीइंफोर्समेंट वो आपको बता रखा है। तो चेक फॉर साइड फेस रीइंफोर्समेंट, और लास्ट स्टेप है चेक फॉर डिफ्लेक्शन। तो चेक फॉर डिफ्लेक्शन, दिस इज योर कंप्लीट डिजाइनिंग। ये आपकी डिजाइनिंग कंप्लीट है। तो जब भी आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन डिजाइन करना है, आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो कुछ भी नहीं है डिजाइनिंग में, बी बाई डी रेशियो अज्यूम करो, देन डेप्थ की वैल्यू कैलकुलेट करो बाय डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, देन जो भी डेप्थ आपने कैलकुलेट करी वो हमारी कैलकुलेटेड डेप्थ से ज्यादा होनी चाहिए। कैलकुलेटेड डेप्थ निकल के आएगी हमारी बैलेंस सेक्शन के लिए, क्योंकि आपने जो डेप्थ प्रोवाइड करी वो ज्यादा प्रोवाइड कर दी, सेक्शन अंडर इन्फोर्स है, तो उसका एरिया ऑफ सील निकाल सकते हो। जो भी एरिया ऑफ सील निकाला वो आपकी परमिसेबल लिमिट को फुलफिल करना चाहिए, इट शुड फुलफिल द परमिसेबल लिमिट। आप चेक करोगे कि साइड फेस रीइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और डिजाइनिंग करने के बाद आप ये भी चेक करोगे कि डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर है? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? तो ये आपका कंप्लीट डिजाइनिंग खत्म होता है। सो दिस कंप्लीट्स योर वन कंप्लीट पोर्शन। यहां पे आके एक पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है आरसीसी का। सो वन कंप्लीट चंक ऑफ द आरसीसी इज फिनिश्ड हियर। तो अप्रोक्सीमेटली 40% आरसीसी खत्म हो गई आपके यहाँ पे। तो 40% ऑफ योर आरसीसी इज फिनिश्ड हियर। चलो अप्लाई करके देखो इसे। प्रॉब्लम, तो जितनी भी चीजें बताई उन सबको अप्लाई करो प्रॉब्लम्स के फॉर्म में। सो व्हाट एवर वी हैव डिस्कस, अप्लाई दैट इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉब्लम। सो डिजाइन अ सिंगली सपोर्टेड, डिजाइन अ सिंपली सपोर्टेड सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम ऑफ
बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, स्पैनिंग स्पैनिंग ओवर क्लियर स्पैन ऑफ 11 मीटर, क्लियर स्पैन ऑफ 11 मीटर, एंड रेस्टिंग ऑन 400 mm थिक वॉल, थिक वॉल ऑन वन साइड, ऑन वन साइड एंड 600 mm थिक वॉल ऑन अदर साइड, वॉल ऑन अदर साइड। तो एक तरफ वॉल कितने से 400 mm, दूसरे तरफ वॉल की थिकनेस है 600 mm ऑन अदर साइड। नेक्स्ट, इट इज सब्जेक्टेड, इट इज सब्जेक्टेड टू सुपर इम्पोज्ड, इट इज सब्जेक्टेड टू सुपर इम्पोज्ड लाइट लोड ऑफ 30 kN, तो सुपर इम्पोज लाइव लोड ऑफ 30 kN। तो सुपर इम्पोज लोड की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, 30 kN ले ली। सो 30 kN/m, तो ये लाइव लोड है। यूज M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, Fe500 ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील, ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील। कंसिडर कंसिडर सिवियर एक्सपोजर कंडीशन, सिवियर एक्सपोजर कंडीशन। सो दिस कंप्लीट्स योर डिजाइनिंग, ये आपकी डिजाइनिंग कंप्लीट करता है। तो सारा डाटा दे दिया, अब इसको डिजाइन करते हैं, ये प्रोसेस को फिनिश करते हैं। यहां पे विल बी फिनिशिंग ऑफ दिस प्रोसेस। तो डेटा इज गिवन टू यू, डिजाइन पहले एक बार प्रॉब्लम नोट कर लो, फिर डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। डेटा गिवन है, फिर डिजाइनिंग को स्टार्ट किया जाता है। नोट दी डेटा, फिर एक एक करके सारे स्टेप्स को अप्लाई करते हैं, डिजाइनिंग फिनिश करते हैं। देन विल बी स्टार्टिंग विद दिस ईयर। हो गया, हो गया। तो चलो, नोटेड, स्टार्ट। तो स्टेप वन, स्टेप वन क्या है, अज्यूम B/D इक्वल्स टू 0.5। B/D कितना मान लिया हमने, 0.5 मान लिया, पहला स्टेप। अगला स्टेप, अफेक्टिव डेप्थ निकालना है। तो अफेक्टिव डेप्थ, तुम्हारी अफेक्टिव डेप्थ किसके बीच में होती है, सो D इज इन द रेंज ऑफ L अफेक्टिव बाय 10 to 15। तो 10 से लेकर 15 के बीच में कोई सी वैल्यू मान सकते हैं, यानी मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, L इफेक्टिव की रिक्वायरमेंट होगी। अब L इफेक्टिव सिंपली सपोर्टेड है, L इफेक्टिव सिंपली सपोर्टेड है, कितनी होगी, दिस विल बी इक्वल टू क्लियर स्पैन प्लस अफेक्टिव डेप्थ। अफेक्टिव डेप्थ पता ही नहीं हमें। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन है क्लियर स्पैन प्लस D1/2 प्लस D2/2। ये जानकारी आपको दे रखी है। क्लियर स्पैन कितना, क्लियर स्पैन है हमारा 11 मीटर प्लस 0.4/2 प्लस 0.6/2, कमिंग आउट टू बी हाउ मच, कितनी वैल्यू आ रही है, ये कितना हो गया 10, सो 11.5 मीटर। तो अफेक्टिव स्पैन कितनी आ गई, 11.5 मीटर निकल के आ गई। तो D किसके बीच में है, 11.5 डिवाइड बाय 10 इंटू 10^3, 11.5 इंटू 10^3 डिवाइड बाय 15, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई D की। दिस इज द वैल्यू ऑफ द D कमिंग आउट। जरा निकाल के बताना D की रेंज क्या है, जरा कैलकुलेट करके बताना D की रेंज क्या आ रही है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द अफेक्टेड डेप्थ कमिंग आउट। यहां से तो डायरेक्टली निकल के आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारी 1150, दिस इज द वैल्यू कमिंग आउट, 1150 mm। यहां से वैल्यू कितनी आ रही है, तो 1150 mm से कम होनी चाहिए अफेक्टिव डेप्थ। और दूसरी रेंज क्या है, 767 mm से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारी जो भी अफेक्टिव डेप्थ होगी 760 mm से ज्यादा होनी चाहिए और 1150 mm से कम होनी चाहिए। क्लियर, चलो
अब हम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया लगा देंगे, ये तुम्हारी पहली कंडीशन थी, दिस वॉज दी फर्स्ट कंडीशन। नाउ आई अप्लाई द डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, पेज ऐड किया, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया क्या बोलता है? डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया बोलता है एल इफेक्टिव बाई डी शुड बी लेस देन के वन के टू के थ्री के फोर वैल्यू। के वन की वैल्यू किस पर डिपेंड कर जाती है? के वन की वैल्यू किस पर डिपेंड कर जाती है? द वैल्यू ऑफ के वन डिपेंड्स अपॉन वॉट? द वैल्यू ऑफ के वन डिपेंड्स अपॉन द स्पैन, कौन सी? एल इफेक्टिव ओनली। अब एल इफेक्टिव की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, पीछे अज्यूम कर रखी है 11.5 मीटर, 10 मीटर से ज्यादा है, तो के वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डाल के निकाल लेंगे। सो विल पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट, वैल्यू कितनी है सिंपली सपोर्टेड के लिए? 20। सो फॉर सिंपली सपोर्टेड इज 20, तो हम लिखेंगे एल इफेक्टिव बाई डी शुड बी लेस देन के वन, के वन की वैल्यू कितनी है? 10 अपॉन एल इफेक्टिव 10.5, सॉरी 11.5, पीछे निकाल रखा है आपने, सो 11.5, सो 11.5। के टू की वैल्यू 1, के थ्री की वैल्यू 1, के फोर की वैल्यू 1, इनटू वैल्यू, वैल्यू कितनी होती है सिंपली सपोर्टेड के लिए? सिंपली सपोर्टेड की वैल्यू होती है 20। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? फ्रॉम हियर व्हाट कैन बी कंप्यूटेड, यहां से क्या चीज निकाली जा सकती है? यहां से हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल के बता दो डी की वैल्यू कितनी आ रही है। सो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ डी, तो सिंप्लीफाई करके बताओ, तो ये इधर चला जाएगा, डी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए 11.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 10 इंटू 20, सो इट शुड बी हाउ मच ग्रेटर देन, कैलकुलेट करके बताना 10 कैसे आया, ये 10 कैसे आया, पिछले लेक्चर लगाओ समझ में आ जाएगा 10 कैसे आया। 10 कैसे आया इसके लिए चेतन ने पिछले लेक्चर लगाओ, जब बीच में आते हैं इसलिए आधी बातें समझ में नहीं आती है। कितनी वैल्यू आ रही है? 661, तो 661.25 mm। तो पहली कंडीशन क्या बोल रही थी हमारी? पहली कंडीशन बोल रही थी डी होना चाहिए 1150 से लेके 767 mm के बीच में। दूसरी कंडीशन बोल रही है डी ज्यादा होना चाहिए 661 mm से। जब मैं दोनों कंडीशन को क्लब करूं मैं डी को क्या मान सकता हूं? जब मैं दोनों कंडीशन को क्लब करूं मैं डी को क्या मान सकता हूं? ये लेना पड़ेगा 767 mm से ज्यादा लेना पड़ेगा। You have to assume the value more than 760 mm. So assume D equals to 800 mm. तो मैंने D की value कितनी मान ली? 800 mm मान ली। तो यहाँ से 661 से ज़्यादा होना चाहिए। पीछे वाली condition बोल रही है 767 से ज़्यादा होना चाहिए। मैंने कितना ले लिया? 800 mm ले लिया। I have considered the value to be 800 mm. Clear है यहाँ तक की कहानी? Repeat करना है इसमें से कुछ भी? बेटा 760 से ज़्यादा लेनी है ना, हेमंत जोशी? 767 mm से ज्यादा होनी चाहिए, तो मैंने 800 mm मान ली। क्लियर है यहां तक की कहानी? तो मैंने अज्यूम किया डी 800 mm, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5 टाइम्स ऑफ डी, 0.5 टाइम्स ऑफ 800, कितनी वैल्यू आ गई? 400 mm आ गई। अब मुझे निकालनी है ओवरऑल डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ के लिए मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा? ओवरऑल डेप्थ के लिए मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा? ओवरऑल डेप्थ के लिए मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा? फॉर सिवियर कंडीशन मेरे को पहले क्लियर कवर निकालनी पड़ेगी, उसमें फिर मेरे को रीइन्फोर्समेंट का डाया भी जोड़ना पड़ जाएगा। तो अगर मुझे ओवरऑल डेप्थ निकालनी है, सो ओवरऑल डेप्थ 800 mm, एक्सपोजर कंडीशन क्या दी हुई है? सिवियर। सिवियर के लिए, सिवियर के लिए मिनिमम क्लियर कवर कितनी होनी चाहिए? सो नॉमिनल कवर फॉर सिवियर एक्सपोजर कंडीशन 45 mm, तो ये 45 mm कवर जोड़ा, तो ये तो हमारी डी थी, सो दिस वॉज डी, ये क्या है हमारा? क्लियर कवर है, प्लस जो रीइन्फोर्समेंट है उसकी साइज भी जोड़ोगे, जो रीइन्फोर्समेंट है उसकी साइज भी तो जोड़ोगे, क्योंकि ये छोटी डी तो क्या होती है? सीजी ऑफ द मेन रीइन्फोर्समेंट तक होती है, इट इज अप टू द सीजी ऑफ द मेन रीइन्फोर्समेंट। तो ये कितना आ गया? 845 आ गया है, तो 845 तक तो ये वैल्यू आ गई है, तो 845 तक वैल्यू आ गई है, प्लस 25 mm मैंने और जोड़ दिया, तो ये हमारा रीइन्फोर्समेंट है, तो ये रीइन्फोर्समेंट की साइज जोड़ी हुई है, दिस इज द साइज ऑफ द रीइन्फोर्समेंट एडेड। तो ओवरऑल डेप्थ कितनी निकल के आ रही है? ऐड कर लो ओवरऑल डेप्थ कितना आ गया, तो 870 mm, सो 870 mm कमिंग आउट। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें सब किसी के लिए? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? तो अब जाके ओवरऑल डेप्थ निकली है, नाउ द ओवरऑल डेप्थ इज कमिंग आउट। तो ये हमारा स्टेप टू खत्म हो गया, दिस इज अवर स्टेप टू फिनिश्ड। चले आगे, शैल वी कंटिन्यू? अब स्टेप थ्री क्या बोलता है?
अब स्टेप थ्री क्या बोलता है, नाउ स्टेप थ्री से इज वॉट, अब तो एल इफेक्टिव निकाल सकते हैं क्योंकि मैंने डी की वैल्यू अज्यूम कर ली है, नाउ आई अज्यूम द वैल्यू ऑफ डी, अब मैं एल इफेक्टिव दोबारा कैलकुलेट करूंगा, आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल इफेक्टिव कि मैंने जो एल इफेक्टिव लिया है वो सही है या नहीं है। तो अब मैं गया अगले स्टेप पे, तो पेज चेंज किया, स्टेप थ्री, स्टेप थ्री एल इफेक्टिव निकाल सकते हैं हम, एल इफेक्टिव है मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया क्या है, क्लियर स्पैन प्लस अफेक्टिव डेप्थ, क्लियर स्पैन कितनी थी 11 मीटर, अफेक्टिव डेप्थ कितनी है 0.8, तो 11.8 मीटर। दूसरा क्राइटेरिया क्लियर स्पैन प्लस B1 बाय 2 प्लस B2 बाय 2, यहां से कितनी आ रही थी वैल्यू 11.5 मीटर, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हुई 11.5 मीटर। ओके, हमने यही कंसिडर की हुई थी, तो हमारे अफेक्टिव स्पैन के अंदर तो कोई चेंज नहीं निकल के आया, यानी जो हमने अफेक्टिव स्पैन पीछे कंसीडर करी थी वो सही कंसीडर कर रखी थी, इसमें कोई चेंज नहीं निकल के आया, क्लियर है। तो मैंने चेक लगा लिया अफेक्टिव स्पैन के ऊपर, देयर इज नो चेंज इन द अफेक्टिव स्पैन, इट इज कमिंग आउट टू बी सेम एज वी हैव अज्यूम्ड। अब लाइव लोड आपको दिया हुआ है 30 किलो न्यूटन मीटर, डेड लोड निकाल सकते हैं, सो डेड लोड सेक्शन की साइज पता है हमें, वी नो द साइज ऑफ द सेक्शन, सेक्शन की साइज कितनी है 0.4 × 0.8, 1 मीटर स्पैन के लिए निकालते हैं, 1 मीटर स्पैन के लिए निकाला 25 से मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट, सिंपलीफाई करो कितना आ रहा है, व्हाट इज द डेड लोड कमिंग आउट, डेड लोड की वैल्यू कितनी आ रही है, व्हाट इज द डेड लोड कमिंग आउट, डेड लोड इज हाउ मच 8, सबका ये आ रहा है 8, एवरीबडी गेटिंग 8, तो 8 8 किलो न्यूटन पर मीटर, सो 30 प्लस 8 38 किलो न्यूटन पर मीटर। अब क्या निकाल लेंगे, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट WL² / 8, WL² / 8 इंटू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सिंप्लीफाई करके निकाल लो, तो 38 L, L की वैल्यू कौन से पुट करोगे, जो आपकी इफेक्टिव स्पैन है 11.5 का होल स्क्वायर बाय 8 इनटू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, सिंपलीफाई करके निकाल लो कितना, दिस इज अवर अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, दिस इज द मोमेंट टू विच बीम विल बी सब्जेक्टेड, ये वो बेंडिंग मोमेंट है जो हमारे बीम के ऊपर सब्जेक्ट होगा, सिंपलीफाई करके निकालिए कितना आ रहा है, नाइन फोर्टी टू पॉइंट टू किलो न्यूटन मीटर, दिस इज द अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट। अब स्टेप फोर क्या है हमारा, स्टेप फोर बोलता है अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट को लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर पुट कर दो और डेप्थ निकाल लो, सो डी रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन कैन बी कंप्यूटेड, सो दिस इज इक्वल टू क्यू लिमिटिंग बी डी स्क्वायर, so this is 942.28 into 10 raised power 6, q limiting कितनी होती है, Fe 500 है, it is how much, 0.133 into b की value कितनी है हमारी, what is the value of b being considered, b की value हमारी 0.4 d square, जरा निकाल के बताना कितनी वैल्यू आ रही है, व्हाट इज द डेप्थ रिक्वायर्ड, सिंप्लीफाई करना, डी निकाल के बताना, एफ सी के भी आएगा कहां पर है, 0.133 एफ सी के, एफ सी के ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या दे रखी है आपको, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट गिवन, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है M30, सो 30 इंटू 0.4 इंटू डी स्क्वायर, कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट द डेप्थ, ये डी जो हमने अज्यूम करी थी 800 में उससे कम होनी चाहिए, दिस वैल्यू ऑफ डी, अरे सॉरी 0.4 नहीं है, 400 ही होगा क्योंकि मैंने कन्वर्ट कर दिया MM के अंदर, डी MM में आएगी हमारी, the value of d will come out in mm,
निकाल के बताना डी कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी कमिंग आउट। ये डी हमारे बैलेंस सेक्शन के लिए है, दिस इज द डी रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन। सिंप्लीफाई करके बताइए डी बैलेंस सेक्शन के लिए कितना आ रहा है, 768.37, दो लोगों का आ गया, सबका ही आ रहा है। तो 768.37 mm, ये कम है किससे, ये कम है डी अज्यूम्ड से। डी अज्यूम्ड कितना था, 800 mm, यानी सही है। तो बैलेंस सेक्शन के लिए डी चाहिए 768.37 mm, हमने कितना ले रखा है, 800 mm ले रखा है। तो हमारा सेक्शन कैसा है, अंडर रिइंफोर्स है, अवर सेक्शन इज अंडर रिइंफोर्स। क्लियर है बात, तो जो भी सेक्शन हमने प्रोवाइड किया वो अंडर रिइंफोर्स सेक्शन है, वॉट एवर सेक्शन वी हैव प्रोवाइडेड इज अंडर रिइंफोर्स सेक्शन। तो ये स्टेप फोर हो गया। अब एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं, स्टेप फाइव में गए। तो स्टेप फाइव एरिया ऑफ स्टील, ये तो डायरेक्टली एक्सप्रेशन बेस्ड है, 0.5 एफ सी के बी डी स्क्वायर अपॉन एफ वाई इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर। ये हमारी एरिया ऑफ सील आ गई। तो 0.5 इंटू 30 इंटू 400 इंटू 800 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 500 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6। अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट कितनी है हमारी, 942.28, 942.28 इंटू 10 रेज पार्ट 6 डिवाइड बाय 30 इंटू 400 इंटू 800 का होल स्क्वायर। जरा कैलकुलेट करके बताओ एरिया ऑफ स्टील, एफ सी के बी डी नहीं होगा, अंदर है बी डी स्क्वायर। सर डेड लोड की कैलकुलेशन में डी रखेंगे 870 ना, हमने कितना रखा हुआ है, डेड लोड की कैलकुलेशन में 870 जाएगा, हमने कितना रखा हुआ है, व्हाट वैल्यू वी हैव यूज्ड, डेड लोड की कैलकुलेशन में 0.87 ही जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से अग्निहोत्री। आपकी बात बिल्कुल सही है, योर स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, पर मेरे ख्याल से उससे कैलकुलेशन में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, देर विल नॉट बी एनी चेंज इन द कैलकुलेशन। कुछ आ रहा है चेंज कैलकुलेशन में, डेड लोड 8 किलो न्यूटन से मेरे ख्याल से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी, देर विल बी स्लाइट इंक्रीज इन द डेड लोड, और उससे मेरी कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि डी की वैल्यू तो आप 800 ही दोगे, द वैल्यू ऑफ डी गिवन इज 800 ओनली, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर फिर भी आप निकाल सकते हो 8.7 आ रहा है। कुमार सानू बोल रहा है 8.7, अग्निहोत्री एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, अग्निहोत्री यू कैन क्रॉस वेरीफाई, इट इज कमिंग आउट टू बी 8.7, कुमार सानू इज सेइंग 8.7। एट एम 870 लेके करें तो कोई फर्क नहीं आएगा, हाँ 8.7 लेके करें तो कोई फर्क नहीं आ रहा, तो ठीक है मैं उसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैथमेटिकली तो 0.7 का फैक्टर आ ही रहा है, तो मैथमेटिकली क्योंकि 0.7 का फैक्टर आ रहा है मैं उसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई एम राइटिंग दिस 38.7, पर मेरी कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने डी कितनी देनी है, 800 ही देनी है, वी हैव प्रोवाइड दी वैल्यू ऑफ डी एज 800 ओनली। तो एरिया ऑफ स्टील कितना आ रहा है, एरिया ऑफ स्टील, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्टील कमिंग आउट, 959 को 960 लिख सकते हैं यहाँ पे, ये 959 आ रहा है सबका, तो ये 960, सो दिस इज 960, राउंड ऑफ कर दिया। कौन है ये बताया, प्रियांशु, प्रियांशु जरा डी बताना कितनी आ रही है फिर, प्रियांशु व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी कमिंग आउट, प्रियांशु व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी कमिंग आउट, डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 775, तो 775.6 mm, तो स्टिल वो 800 से क्या है, कमी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 775 तो 800 से कम है, तो मेरी कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए हाँ, तो एरिया ऑफ स्टील बताना कितना आ रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्टील कमिंग आउट, अंदर बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट चेंज हो गया 960 हो गई, ध्यान रखना, जब एरिया ऑफ स्टील निकाल रहे हैं अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट 960 है,
पहले 940 पूछती है, व्हाट द एरिया ऑफ सील कमिंग आउट, किशन कुमार बोल रहा है 3341, किशन कुमार बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट सही डाला है, 960 डाली है अंदर वैल्यू, व्हाट द एरिया ऑफ सील कमिंग आउट, एरिया ऑफ सील की वैल्यू कितनी आ रही है, सिंप्लीफाई करो पूरे एक्सप्रेशन को, सिंप्लीफाई द कंप्लीट एक्सप्रेशन, 3341 एक जने का आंसर आया है, यही आ रहा है, चलो ठीक है, तो 3341 प्लस 0.565 mm स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ सील है। फिर अगला स्टेप क्या बोलता है, अगला स्टेप बोलता है चेक करो ये परमिसेबल लिमिट में है या नहीं है, तो परमिसेबल लिमिट के लिए तो पहले क्या निकाला, ए एस सी मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन 0.85 बी डी अपॉन एफ आई, हाँ 3341 ये रिक्वायर्ड है। अब ए एस टी मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं, सो 0.85 into 400 into 800 डिवाइड बाय 500, जरा देखना मिनिमम एरिया ऑफ सील कितनी आ रही है, व्हाट इज मिनिमम एरिया ऑफ सील कमिंग आउट, फाइव फोर्टी फोर एमएम स्क्वायर, तो ओके हमारा जो एरिया निकल के आ रहा है वो किससे ज्यादा है, 544 से ज्यादा है, अवर एरिया इज मोर देन व्हाट, 544, तो कैलकुलेशन सही है हमारी, सो अवर कैलकुलेशन इज करेक्ट। अब अगर ए एस टी मैक्सिमम की बात करें तो हमारी ए एस टी की वैल्यू कम होनी चाहिए, ए एस टी की वैल्यू कम होनी चाहिए मिनिमम ऑफ, पहला क्राइटेरिया 4% ऑफ व्हाट, पहला क्राइटेरिया 4% ऑफ व्हाट, हमारा जो मैक्सिमम एरिया ऑफ सील है वो कम होना चाहिए 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, तो 4% ऑफ ग्रॉस एरिया 0.04 टाइम्स ऑफ बी डी, सो 0.04 टाइम्स ऑफ बी इंटू डी, जरा कैलकुलेट करना कितनी वैल्यू आ रही है, 13920 एमएम स्क्वायर। दूसरा क्राइटेरिया ए एस टी लिमिटिंग, ए एस टी की लिमिटिंग वैल्यू हमें डायरेक्टली बता, सर डी होगा, हाँ डी लिखा, अच्छा छोटा डी लिख दिया क्या, वैल्यू वही डाली है, हाँ ए एस टी लिमिटिंग की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज ए एस टी लिमिटिंग, डायरेक्टली एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन इज बिंग डिस्कस बाय अस, ए एस टी लिमिटिंग की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता दो कितना आएगा, सो इट इज इक्वल टू 0.414, वन छूट गया, सो इट इज इक्वल टू 0.414 एफ सी के अपॉन एफ वाई इंटू एक्स यू लिमिटिंग, वैल्यू पुट करो आंसर निकाल के बता दो कितना आ रहा है, व्हाट इज ए एस सी लिमिटिंग कमिंग आउट, 3680, अमन कुमार बोल रहा है 3648, तो 3650 ले रहा हूं मैं, 3650 एमएम स्क्वायर, तो इन दोनों में से मिनिमम क्या है, 3650, और हमारा जो एरिया ऑफ स्टील है वो क्या है, मैक्सिमम से भी कम है, तो ओके okay. तो हमारा एरिया ऑफ स्टील मिनिमम से ज्यादा है और मैक्सिमम से क्या है, कम है, तो हमारी एरिया ऑफ स्टील क्या है, परमिसेबल लिमिट को फुलफिल कर रही है, अवर एरिया ऑफ स्टील इज फुलफिलिंग दी परमिसेबल लिमिट, तो पेज ऐड किया, तो पेज ऐड किया ए एस टी रिक्वायर्ड, सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील इज 3341, सो 3341.56 एमएम स्क्वायर, जरा निकाल के दिखाना नंबर ऑफ बार्स, जरा नंबर ऑफ बार्स निकाल के बताना कितना आ रहा है, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ बार्स कमिंग आउट, नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करके बताओ कितने आ रहे हैं, इतना एरिया प्रोवाइड करने के लिए कितने बार की रिक्वायरमेंट होगी, कैलकुलेट करके बताइए, 4 बार ऑफ 32 mm टोटल एरिया कितना आ रहा है, 4 बार 32 mm के टोटल एरिया कितनी है इसकी, सो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड निकाल सकते हैं, सो वी कैन से प्रोवाइड 4 बार ऑफ 32 mm,
फोर बार 32 mm पुष्पेंद्र एरिया निकालना कितना आ रहा है? 3120। कहाँ फुलफिल हो रहा है 3120? फेल करा दोगे सेक्शन को। जितने सील की रिक्वायरमेंट है उतना सील दिया ही नहीं। 7 बार नहीं दूंगा 25 mm के पे। आई नॉट प्रोवाइड 7 बार ऑफ 25 mm। एक लेयर में दे नहीं पाऊंगा, दो लेयर में भी नहीं दे पाऊंगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो 7 बार ऑफ 25 mm इज नॉट द ऑप्शन, भले चाहे एरिया कितना भी है। 6 of 28 mm कितना आ रहा है? 6 of 28 mm में 6 of 28 mm टोटल एरिया की रिक्वायरमेंट कितनी है? ये भी मेरे को ख्याल से दो लेयर में देना पड़ जाएगा, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी आपकी। एक लेयर में प्रोवाइड करने के लिए कैलकुलेट करके बताओ अगर आ रही है कोई ऑप्शन तो। 3692। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है? 6 of 28 के अलावा और कोई ऑप्शन है? 6 of 28 के अलावा एनी अदर ऑप्शन? चलो 6 bars of 28 mm डायमीटर। सो ए एस टी प्रोवाइडेड इज हाउ मच? ए एस टी प्रोवाइडेड ये कितना बताया? 3692 mm स्क्वायर। हमने इतना एरिया प्रोवाइड कर दिया, दिस मच ऑफ द एरिया इज प्रोवाइडेड। अगला स्टेप, सो नेक्स्ट स्टेप ये कौन सा था? छठा, चौथा, छठा, सातवां स्टेप। क्योंकि हमारी डेप्थ किससे ज्यादा है तो भैया ये तो कम आ रहा है ना बेटा, रिक्वायर्ड 3341 है ना। 4 बार 32 mm के दिए, एरिया आ गया 3216, ये तो रिक्वायरमेंट से कम हो गया ना। रिक्वायरमेंट से कम एरिया थोड़ी दूंगा स्टील का। सो सिंस ओवरऑल डेप्थ इज मोर देन 750 mm, तो क्योंकि डी की वैल्यू 750 mm से ज्यादा है, साइड फेस रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। सर ये लिमिटिंग से ज्यादा है, ये लिमिटिंग से ज्यादा है। 3692 लिमिटिंग से ज्यादा आ रहा है। कहाँ है भैया लिमिटिंग? 3692, हाँ लिमिटिंग से ज्यादा नहीं जाएगा, आपकी बीम क्या हो जाएगी? सो 2 32 के 2 28 के, जरा बताना वैल्यू कैलकुलेट करके, 2 32 के 2 28 के कितनी आ रही है? तो ये ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, दिस इज नॉट द ऑप्शन। 2 32 2 28 टोटल कितना आ रहा है? 2 32 के 2 28 के ऑप्शन कितनी आ रही है? 3642, ठीक है ये हो रहा है। तो ये ठीक है। सो 2 bar of 32 mm एंड 2 bar of 28 mm डायमीटर। ए एस टी प्रोवाइडेड इज 3642 mm स्क्वायर। कम आ रही है 3642 से, ठीक है। सो इट इज लेस देन ए एस टी लिमिटेड, नाउ इट इज फाइन। अब ये चीज सही निकल के आ रही है। अब क्योंकि डी की वैल्यू 750 mm से ज्यादा है, सिंस डी इज मोर देन 750 mm, साइड फेस रीइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। साइड फेस रीइंफोर्समेंट दे दो, साइड फेस रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। साइड फेस रीइंफोर्समेंट कितनी होती है? व्हाट इज साइड फेस रीइंफोर्समेंट? 0.1% ऑफ दी, 0.1% किसका? साइड फेस रीइंफोर्समेंट में 0.1% किसका प्रोवाइड करते हैं? सो वी हैव टू प्रोवाइड साइड फेस रीइंफोर्समेंट ऑफ द ग्रॉस वेब एरिया। तो ग्रॉस वेब एरिया, सो वी विल से साइड फेस रीइंफोर्समेंट इज 0.1% ऑफ ग्रॉस वेब एरिया। 0.1 नहीं होता है, 0.1% होता है, इट इज नॉट 0.1, इट इज 0.1%। तो अमन उसकी वैल्यू ध्यान रखना, ये 0.1% है। सो इट इज इक्वल टू 0.1% ऑफ बी इंटू डी। सो 0.1 डिवाइड बाय 100 इंटू 400 इंटू 870, निकालना कितनी वैल्यू आ रही है, व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट? व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट, कितना रिजल्ट निकल के आ रहा है? व्हाट द एरिया कमिंग आउट? जब 4 बार 32 mm से एरिया कम आ रहा है तो 2 बार 28 और 2 बार 32 से भी तो कम ही आएगा। मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, मैंने तो जो वैल्यू बताई मैंने लिख दिया,
आपने एरिया बताया, मैंने लिख दिया, मैं थोड़ी ना कैलकुलेट कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी कैलकुलेशन, आप जो बता रहे हो मैं लिखता जा रहा हूँ बस, वॉट एवर यू आर सेइंग आई एम राइटिंग इट, नहीं आ रहा तो चेंज कर लो। मेरा काम तो कंसेप्ट बताना है कि भैया आंसर मैच कराना है आपको, कि सारी लिमिट्स मैच होनी चाहिए, आप जो भी बोलते जा रहे हो मैं लिखता जा रहा हूँ, आई एम राइटिंग इट। सो 348 mm square, सो 348 mm square, तो ये हमारी साइड फोर्स रीइन्फोर्समेंट आ गई, दोनों तरफ प्रोवाइड करेंगे इक्वली, तो दोनों तरफ इक्वली प्रोवाइड करेंगे, और एटलीस्ट कितने बार देते हैं, एटलीस्ट 2 बार तो देने पड़ेंगे आपको हर साइड पे। क्यों? अगर आप 2 बार हर साइड पे प्रोवाइड नहीं करोगे, इफ यू नॉट प्रोवाइड 2 बार ऑन ईच साइड, आपकी स्पेसिंग वाली कंडीशन फुलफिल ही नहीं होगी। तो हमारी स्पेसिंग 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अवर स्पेसिंग शुड नॉट बी मोर देन 300 mm, तो टोटल 4 बार आएंगे। तो जरा मुझे बताना 4 बार प्रोवाइड करने कितने डायमीटर के प्रोवाइड करूं ताकि एरिया निकल के आ जाए 348 मिनिमम। 5 बार दे सकते हैं, 5 बार हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, 5 बार बिल्कुल दे सकते हैं, पर डायमीटर सेम होना चाहिए फिर। 32 36 का बार है, 200 दो दो का, 32 और 36 का बार है, तो लो 32 और 36 का कर दिया, तो 32 और 36 का कर दिया, बाकी हाँ कैलकुलेशन आप करके बता देना कि ये आ रही या नहीं आ रही, वेदर यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट और नॉट। तो शुभम बोल रहा है 232 के 236 के उसका एरिया निकल के आ रहा है। चलिए तो टोटल 4 बार देने हैं मुझे, 2 हर साइड पे, जरा मुझे डायमीटर कैलकुलेट करके बता दो कितना आ रहा है, व्हाट द डायमीटर कमिंग आउट। कितनी आ रही है डायमीटर बार की, व्हाट द डाया ऑफ द बार कमिंग आउट। साइड फेस रीइन्फोर्समेंट के लिए बार की डायमीटर क्या निकल के आ रही है, 4 mm के, ठीक है। सो प्रोवाइड 2 bars of 12 mm diameter on both sides, on both sides, दोनों साइड पे। तो ये हमारी साइड फेस रीइन्फोर्समेंट भी आ गई, खत्म कहानी। तो पूरा डिजाइन करके दे दिया आपको सेक्शन को। अब आप डिफ्लेक्शन के लिए चेक कर सकते हो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, यू कैन चेक फॉर डिफ्लेक्शन ऑल्सो वेदर कंडीशन इज गेटिंग फुलफिल्ड और नॉट। अब डिफ्लेक्शन के लिए चेक अप्लाई करने के लिए मेरे को कर्व होने चाहिए, कर्व है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि K2 निकालने के लिए मुझे कर्व चाहिए होता है। In order to find K2, I should know the value of, I should know the K, I should know the curve given to me. अब वो curve given नहीं है तो मैं check कर नहीं पाऊंगा, आप code में से लगा सकते हो। So check for deflection also, check for deflection also. तो आपको check लगाना है deflection के लिए भी। So check for deflection also. You have to apply the check for deflection. अब check लगा लो deflection के लिए, आ गया। Apply the check for the deflection. बीम बना के दे सकता हूं मैं आपको, आई कैन शो यू द बीम। तो ये हमारी बीम है पूरी, दिस इज द बीम अंडर कंसीडरेशन। ओवरऑल डेप्थ पता है हमें, वी नो द ओवरऑल डेप्थ। ये हमारी स्टिरप्स है, दीज आर अवर स्टिरप्स। बारह एम एम 450 आ रहा है, 382 से ज्यादा, तो भाई ज्यादा ही तो दिया है, कम से कम 0.1% है ना। ये देखो परेशान हो रहा है अभिषेक भाई, नोट्स पढ़ा करो, जब भी मैं कराता हूँ एक बार घर जाके तभी चीजें समझ में आएंगी, हवा में चीजें समझ में नहीं आएंगी। 0.1% की कंडीशन है ना, कम से कम 0.1% एरिया देना है आपको, तो उससे ज्यादा ही तो दे रखा है। साइड फेस रीइन्फोर्समेंट हमने दे रखी है क्रैक्स को अवॉइड करने के लिए, कम से कम 0.1% ऑफ ग्रॉस एरिया होना चाहिए, आपने उससे ज्यादा दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। मेन रीइन्फोर्समेंट थोड़ी ना ये, साइड फेस रीइन्फोर्समेंट है, जैसे जी साइड फेस रीइन्फोर्समेंट अंडर कंसिडरेशन। वो परेशान हो रहा है सर ज्यादा दे दिया। जैसे 870 mm, तो हमने 2 बार दे रखे हैं 36 mm के और 2 बार दे रखे हैं 32 mm के, और फिर साइड फेस रीइन्फोर्समेंट भी प्रोवाइड कर रखी है। दिस इज अवर साइड फेस रीइन्फोर्समेंट।
ये 12 mm है, डायमीटर ये 36 mm डायमीटर और ये 32 mm डायमीटर, सो दिस इज 32 mm डायमीटर, दिस इज 32 mm डायमीटर और ये वैल्यू है हमारी 800 mm, दिस वैल्यू इज 800 mm. यू कैन फाइंड द स्पेसिंग ऑल्सो, आप ये स्पेसिंग भी निकाल सकते हो, ये स्पेसिंग 300 mm से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, नहीं मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट फॉर द मैक्सिमम. बीम की विड्थ है 400 mm, द विड्थ ऑफ द बीम इज 400 mm, सो डिजाइनिंग ऑफ द बीम इज कंप्लीटेड, बीम की डिजाइनिंग कंप्लीट है आपकी, जो कवर प्रोवाइड किया है वो आपने 45 mm का प्रोवाइड कर रखा है, द कवर इज ऑफ 45 mm. अब इसके अलावा और कोई चीज नहीं है इसके अंदर, क्लियर है? सो दिस कंप्लीट द वन सेक्शन ऑफ योर आरसीसी, एक कंप्लीट सेक्शन हो गया आपके आरसीसी का. अब कल से शेयर स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद दिस शेयर. तो फ्लेक्चर हमारा पूरा हो गया है, क्लियर है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू.